इस क्वेश्चन में कोई भी नया कॉन्सेप्ट नहीं है। यदि आपने सिंपली बोर्ड लेवल के एरिया के क्वेश्चन किए हों तो भी ये क्वेश्चन आसानी से किया जा सकता है। इस क्वेश्चन में कहा गया है लेट डेल्टा बी द एरिया ऑफ द रीजन गिवन बाय दिस सेट, देन 1/2 डेल्टा माइनस 21 साइन वर्स 2/√7 इज इक्वल टू, यू हैव टू फाइंड द करेक्ट चॉइस। सबसे पहले मैं इसका ग्राफ ड्रा करता हूं और उसके लिए पहले मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 21 का ग्राफ ड्रा करता हूं। इसका ग्राफ क्लियरली एक सर्कल होगा जिसका सेंटर 0, 0 और रेडियस √21 होगा, और क्योंकि लेस देन इक्वल टू का साइन लिखा हुआ है तो इस सर्कल के अंदर वाले सारे पॉइंट्स इस इनिक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। अब मैं वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4x का ग्राफ ड्रा करता हूं। उसके लिए पहले मैं वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x का ग्राफ ड्रा करता हूं। इसका ग्राफ एक पैराबोला होगा, लेकिन एक्चुअली हमको वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4x का ग्राफ ड्रा करना है, और क्योंकि इसमें इनइक्वालिटी आई है इसलिए इसके अंदर शेडिंग आएगी। शेडिंग अंदर आएगी कि बाहर आएगी, इसको देखने के लिए कहीं का कोई भी पॉइंट चूज कर लो। से ये पॉइंट है 1, 0, 1, 0 को मैं इसमें रखता हूं। यदि ये इक्वेशन सेटिस्फाइड होगी तो शेडिंग जो है 1, 0 वाले पॉइंट की तरफ होगी, और यदि 1, 0 ने सेटिस्फाइड ना किया तो शेडिंग उस तरफ होगी जिसमें 1, 0 पॉइंट नहीं है, और 1, 0 क्लियरली इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस पैराबोला के लिए शेडिंग अंदर आएगी। और तीसरा ग्राफ है एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 का। पहले मैं एक्स इक्वल टू 1 का ग्राफ ड्रा करता हूं। एक्स इक्वल टू 1 का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगा जो कि वाई एक्सिस के पैरेलल होगा, लेकिन देखना यह होगा कि वाई एक्सिस के पैरेलल जो लाइन है वो यहां पे है या इस पॉइंट से आगे है। इसके लिए पहले मैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालता हूं। ये वाला पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 21 और वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x इन दोनों ग्राफ्स को साइमल्टेनियसली सॉल्व करता हूं। तो आई गेट एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 21 इक्वल 0। इसको सॉल्व करोगे रूट्स निकलेंगे -7 और 3, लेकिन यहां का एक्स स्क्वायर क्योंकि पॉजिटिव होगा इसलिए हम 3 लेंगे और -7 को रिजेक्ट कर देंगे। तो ऑब्वियसली x इक्वल टू 1 वाली लाइन जो है इस पॉइंट से इधर आएगी, दैट इज ये वाला पॉइंट हो गया 1 और लाइन होगी x इक्वल टू 1। लेकिन क्योंकि x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 दे रखा था अब इसलिए इस लाइन के एक तरफ शेडिंग भी आएगी। ये क्लियर है x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो शेडिंग इस तरफ आएगी, तो वो पोर्शन जो कि तीनों के शेडेड पोर्शन में आ रहा है वो ये है। टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस रीजन, मैं अपर पोर्शन का एरिया निकाल दूंगा, नीचे वाले पोर्शन का एरिया तो वही होगा। तो सबसे पहले मैं यहां पे परपेंडिकुलर ड्रा करता हूं, यहां का एक्स कोऑर्डिनेट 3 होगा। अब क्योंकि पोर्शन ऑफ दिस ग्राफ इज ए पार्ट ऑफ पैराबोला इसलिए ये वाले पोर्शन का एरिया निकालने के लिए मैं लिखूंगा 1, 2, 3, और क्योंकि यहां से मैं बोल सकता हूं y की वैल्यू है 2√x। ध्यान रखना प्लस माइनस यूज नहीं किया क्योंकि ऊपर वाले पोर्शन के लिए y पॉजिटिव होगा, तो 2√x। और ये वाले पोर्शन के लिए, और क्योंकि ये सर्कल का पार्ट है इसलिए सर्कल की इक्वेशन से मैं y की वैल्यू निकालता हूं, दैट इज इक्वल टू √21 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो गया 3, 2। यहां का एक्स कोऑर्डिनेट क्योंकि √21 है इसलिए लिखा जाएगा √21 एंड √21 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स, और दिस इज इक्वल टू 2 × x³/3/2 अपॉन 3/2 1, 2, 3 प्लस, आपको पता होगा कि √a² - x² dx का
इंटीग्रल होता है एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस ए स्क्वायर बाय टू साइन इनवर्स एक्स बाय ए। इस फॉर्मूले को यूज करते हुए आई गेट एक्स अंडर रूट 21 माइनस एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस 21 बाय टू साइन इनवर्स एक्स बाय अंडर रूट 21 और 32 अंडर रूट 21। दिस इज इक्वल टू 4/3 3 रूट 3 माइनस 1 प्लस। अब इसमें जब 3 टू अंडर रूट 21 लिमिट्स रखेंगे तो आंसर आएगा 0 माइनस 3 अंडर रूट 21 माइनस 9 दैट इज 12 बाय 2 प्लस 21 बाय 2 साइन इनवर्स अंडर रूट 21 बाय अंडर रूट 21 दैट इज 1 माइनस साइन इनवर्स 3 बाय अंडर रूट 21। दिस इज इक्वल टू 4 रूट 3 माइनस 4 बाय 3 माइनस 3 रूट 3 प्लस 21 बाय 2 एंड पावर 2 माइनस साइन इनवर्स अंडर रूट 3/7। ये ध्यान रखो, जो मैंने एरिया निकाला है ये ऊपर वाले पोर्शन का एरिया है, तो एक्चुअल एरिया तो इसका डबल होगा, दैट इज एरिया डेल्टा इज ट्वाइस दिस और दिस माइनस दिस इज रूट 3 देयरफॉर 2 रूट 3 माइनस 8 बाय 3 प्लस 21 इंटू पावर 2 माइनस साइन इनवर्स अंडर रूट 3/7। तो क्वेश्चन में दी गई इंफॉर्मेशन के हिसाब से हमको कैलकुलेट करना है 1/2 डेल्टा माइनस 21 साइन इनवर्स 2/√7। दैट इज मेरे को कैलकुलेट करना है 1/2 डेल्टा का मतलब ये पूरा हो गया, दैट इज 2 रूट 3 माइनस 8 बाय 3 प्लस 21 पाई बाय 2 माइनस 21 साइन इनवर्स अंडर रूट 3/7 माइनस 21 साइन इनवर्स 2/√7। दिस इज इक्वल टू 1/2 2 रूट 3 माइनस 8 बाय 3 प्लस 21 पावर 2 माइनस 21 ये है साइन इनवर्स अंडर रूट 3/7 और ये हो गया कॉस इनवर्स अंडर रूट 3/7। दिस इज इक्वल टू रूट 3 माइनस 4 बाय 3 प्लस 21 पाई बाय 4 माइनस 21 बाय 2 इंटू पाई बाय 2। दिस इज इक्वल टू रूट 3 माइनस 4/3। हेंस आई कैन से करेक्ट चॉइस इज फोर्थ चॉइस।